आ चुके हैं इंडिया के, बहुत ही खतरनाक। और यार ये डिजर्ट अपने आप में इतना खतरनाक है भाई कि इसमें डिजर्ट के साथ साथ यहाँ पे टापू पे जंगल है, पूरा का पूरा आसपास एकदम से जंगल छाया हुआ है। और भाई यहाँ तक कैसे पहुंचे भाई पूछो मत, वहाँ से लेके सामने सीट दिख रही है वहाँ पे, हमको यहाँ पे बहुत दिक्कत हुई भाई आने में। और ये टापू यहाँ पे बहुत खतरनाक इसलिए है भाई कि सांपों से भरा हुआ टापू है। और गाइस इसी टापू में आज 24 आवर्स आज से अपना कैंपिंग स्टार्ट होता है। आप बोलते हो 24 आवर्स सर्वाइव क्यों नहीं करते भाई, तो आज हमने एक ऐसी खतरनाक जगह चुनी है सर्वाइव करने के लिए जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है साबित हो सकती है भाई। तो गाइस फिलहाल यहाँ से निकलते हैं भाई, ये पानी यहाँ पे हमको कोई छोड़ के गया है, पता नहीं अब कल कब आएगा कहाँ पे आएगा। हमको कल शाम तक यहाँ पे रुकना है, अभी सूरज ढलने वाला है गाइस, देखो शाम होने वाली है, अभी सूरज ढलने वाला है और हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे भाई। और ये बीच बहुत खतरनाक बीच है सुना है भाई हमने, यहाँ से हमको परमिशन ही नहीं है भाई, हम अपने रिस्क पे यहाँ पे आए हैं भाई। और ये जंगल भाई बहुत खतरनाक है, पानी के बीचों बीच में अगर जंगल होता हुआ तो आपने शायद पिक्चर्स वगैरह टीवी वगैरह में देखा ही होगा कितना खतरनाक जंगल होते हैं भाई। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी यहाँ से, तो फटाफट से जल्दी से भाई हमें शाम होने से पहले या अंधेरा होने से पहले लकड़ियाँ वगैरह ढूंढनी है, क्योंकि ये जंगल तो पूरा भीना है भाई, पानी वानी है। यहाँ पे लकड़ियाँ ढूंढ रहे थे तभी हमें यहाँ पे बहुत खतरनाक हड्डी मिली है, और ये किसी जंगली प्राणी की है। और भाई ये हड्डी किसी के शिकार की हुई लगती है भाई, तो अब यहाँ पे बहुत डर लग रहा है भाई। अब पहले से आए थे तो कुछ पता था, ऐसा मालूम था, अब लाइव देखे भाई यहाँ पे देखो हड्डी के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं भाई नीचे। और गाइस यहाँ पे किसी का शिकार किया हुआ लगता है, कुछ दिनों पहले ही की बात है भाई। तो अभी मेरे को क्या लगता है कि टेंट को थोड़ा ऊपर ले लें भाई, क्योंकि यहाँ पे टेंट जो हवा के झोंकों से टेंट नहीं रह रहा है भाई, टेंट जमीन पे नहीं रह रहा है। और यहाँ पे पानी की अगर रात को भर्ती ज़्यादा हुई, पानी जो ऊपर आ चुका है, तो इसीलिए टेंट को हमें फिलहाल उठा के वहाँ उस साइड पर रखना ही होगा गाइस। यहाँ से फटाफट टेंट को उठा लेते हैं भाई। तो गाइस टेंट मेरे साथ, मेरे को भी उठा के ले जा रहा है भाई, इतना पवन है भाई यहाँ पे बीच में। और आपको वॉइस वगैरह में दिक्कत हो रही होगी शायद से पवन की वजह से भाई, लेकिन इसे यहाँ पे बाहर निकलना ही पड़ेगा भाई, टेंट सही सलामत रहना चाहिए गाइस, वरना हम मर जाएंगे भाई रात को यहाँ पे। गाइस खाना वाना तो खा लिया, लेकिन यार कब से जंगल में से आवाजें आ रही है कुछ अजीब सी, इसलिए भाई हमको सोने नहीं दे रही, हमको लगता है कि कुछ ना कुछ देखने जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। जो हमारी तरफ बढ़ रहा था वो अभी फिलहाल चल चुका है भाई पूरी तरीके से, और पानी उधर वापस चला जा चुका है, वापस जा चुका है वहाँ, अभी ज़्यादा पानी पहले देखा था आपने, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था, पानी नहीं है भाई, पता नहीं कोई समुद्री लुटेरा वगैरह भाई कोई भी याद को आ सकता है यहाँ पे जंगल में। पानी पूरा यार निकल चुका है यहाँ से, इतना पानी था पहले, कोई पानी का खतरा नहीं हमें कि कुछ ज़्यादा कुछ पानी ऊपर आ जाएगा, ऐसा कुछ खतरा तो नहीं है अभी फिलहाल भाई। यहाँ पे रात को सांप वगैरह कुछ भी हो सकता है, हम यहीं पे चेक करने आए हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े सांप थे भाई, अगर मिल जाते हैं तो आपको भी दिखा देंगे हम। यहाँ से कुछ ना कुछ आवाज आ रही है अंदर से, क्या हुआ कि चौबा जाए ना बड़ा है, नीचे गिरा है सांप वगैरह, देख देख निकल लेते हैं, चल चल। नहीं तो भाई फिलहाल टेंट में जाके आराम से सोते हैं, और रात को 2-3 चक्कर लगाएंगे अगर कुछ मिला तो,
ऐसे सोने में हमें एक आदमी को सोना पड़ेगा, एक को जगना पड़ेगा किसी दोनों में से भाई, और ऐसे ही कुछ बारीकी से ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। और राइस क्या मिला? ये क्या है? तेरा जूता तो नहीं है ना भाई? नहीं नहीं मेरा नहीं, बंदा हुआ एकदम से जकड़ गए, किसी का जूता है गाइस, और शायद से यहाँ पे कोई पहले इससे पहले आया ही होगा, 100% आया होगा। छोटा जूता है ये, हमें काम लगेगा अगर कल बोट को नाव को बुलाने चाहिए तो हम ये सिग्नल दे सकते हैं उधर से। हाँ चलेगा, और आगे ये और भी ढूंढेंगे भाई, सुबह को हम और कुछ भी ढूंढेंगे, ज़्यादा कुछ मिलता है कि नहीं हमें। अभी तो बहुत रात होगी, सोने का जाना है, अभी फिलहाल टेंट में जाते हैं भाई। सो गाइस फिलहाल टेंट में आ चुके हैं, और टेंट में अभी जाके कुछ रिलैक्स फील हो रहा है भाई, कि अभी कुछ खतरा नहीं है, और यहाँ पे अच्छे से नींद आ जाएगी भाई शायद से, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो फिलहाल गाइस सो जाते हैं, सुबह मिलेंगे जल्दी। सो गाइस अभी सुबह के 10 बजे हैं, और 10 बजे तक यार भाई नींद तो पूरी हो चुकी है, लेकिन फिलहाल यहाँ से पानी बिल्कुल हट चुका है, और पानी बीच से यहाँ पे जो टापू है उससे बहुत दूर जा चुका है गाइस। सो गाइस रात को ये छोटी सी रस्सी के सहारे हमने टेंट को बांध दिया, क्योंकि भाई जो टेंट है वो हवा के हिसाब से, जो सामने हवा का जो बहाव जो बहुत ज़्यादा था भाई, उसके हिसाब से ये टेंट उड़े जा रहा था, इसीलिए हमने ये बांध दिया था यहाँ पे, और अपने सब यहाँ पे कंप्लीट है। अभी नाश्ता भी बनाएंगे भाई, जो हमने चने पलटने के लिए रखे थे भाई वो भी एकदम से रेडी है। हम बहुत बड़ी जो ट्रैवलिंग बहुत लंबी ट्रैवलिंग करके आए हैं भाई, तो कपड़े वगैरह तो हमारे ऐसे ही पड़े थे भाई, तो क्यों ना हम यहाँ पे धो के उसको सुखा देते हैं भाई, इसको धो डाला है हमने, सुखा देते हैं। अभी हम फिलहाल जाते हैं पानी के उस साइड पे, और वो बीच के बरोबर दरिए के पास में जाके हमें ढूंढना है किसी शिप को या किसी बोट को, ताकि हम बाहर निकल सके भाई। और यहाँ पे पता नहीं कुछ क्या भी मिला है हमें भाई, देखो क्या पड़ा हुआ है कब से भाई यहाँ पे, है कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये क्या है। और गाइस ये किसी बड़ी सी नाव का, नाव के अंदर शायद होगा ये उसकी टंकी वगैरह है जो बिगड़ गई होगी, या फिर कुछ रिनोवेशन के लिए कुछ भी करके यहाँ पे छोड़ दिया है उन्होंने, तो पता नहीं भाई क्या भी है। तो फिलहाल गाइस हम बीच के सामने की साइड देखते हैं, तो हमें कुछ नज़र आ रही है दो शिप भाई, दो बड़ी शिप नज़र तो आ रही है, लेकिन उसे कुछ सिग्नल वगैरह हमें देना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें चाहिए बड़ी सी लकड़ी ताकि हम उसको सिग्नल दे सकें, बहुत बड़ी लकड़ी चाहिए हमें। और गाइस हम यहाँ पे घूमते फिरते हुए बहुत आगे आ चुके हैं, और फाइनली बहुत सारा कुछ हमें यहाँ पे आइलैंड पे मिला है, और ये कोई मछुआरे की यहाँ समंदर लुटेरे जो कुछ भी शिकार वगैरह निकलते हैं उसकी यहाँ पे जाल वाल वगैरह सब मिली है, और बहुत बड़ी जाल मिली है यहाँ पे। आगे देखो यहाँ पे कोई शिपिंग करने के लिए आता होगा ना, तो मच्छी वगैरह पकड़ने के लिए फिश वगैरह, और सबके जूते वगैरह भी यहाँ पे पड़े हैं, तो इसको लेके हमें कोई फ़ायदा तो नहीं है भाई, कुछ नहीं हो सकता। बहुत ही बड़ा एक टायर मिला है भाई, और ये किस चीज़ का टायर है पता नहीं चल रहा, लेकिन ये यहाँ पे कैसे आया होगा ना भाई, इसके लिए तो यार बहुत दिक्कत है, और इसके अंदर बहुत सारा पानी भरा है गाइस। उठा सकता है? नहीं भाई नहीं उठ सकता, बहुत सारा पानी भरा है। ये किसी शिप में होगा ना शायद, वो साइड में बड़ी सी नाव आती है ना, तब साइड में उसको लगाते हैं, इसलिए यहाँ पे छोड़ दिया है, उसका तो मालूम नहीं है भाई, लेकिन बहुत सारा पानी भरा हुआ है इसमें। और अभी के टाइम पे यार हमें आगे चल जाना चाहिए, क्योंकि हम बहुत पीछे आ चुके हैं, और पानी किसी भी वक्त समुंदर से ऊपर आ सकता है, तो क्यों ना जंगल में फंस जाएं, इससे अच्छा है कि हम उस साइड पे, जिस साइड पे आए थे पहले, यहाँ पे बहुत दलदला है भाई, यहाँ पे पेड़ भी अंदर घुस जाते हैं, देखो बहुत दलदला है। सो गाइस अभी खाना बनाने है, तो बहुत सारी लकड़ियाँ चाहिए हमें, तो क्यों ना यहाँ से लकड़ियाँ मिल जाती है तो ले लेते हैं भाई, सूखी लकड़ी होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो गाइस अभी सामने एक शिप आई है, तो फाइनली गाइस अभी हम हमारा टेंट वेंट शकल के यहाँ से सर्वाइव कैंपिंग जो एंड करनी पड़ेगी, क्योंकि वो आखिरी शिप है, उसके बाद हमने उससे बातचीत की भाई कोई शिप नहीं है, वो बोले कि बैठ जाओ भाई वरना इस जंगल में फंस जाओगे भाई, दो तीन दिन के लिए अगर शिप नहीं आई तो भाई क्या करेंगे, फिलहाल टेंट वेंट शकल के यहाँ से निकलते हैं भाई फटाफट।